मैं आपसे जोड़ी करके एक भीख के रूप में वोट मांग रहा हूँ। मना ऊपर ने हाथ करके ये बता दे भाई वोट देगा कौन देगा। भाई राम रिवास राणा आगे बढ़ो। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। तस्वीरें हैं हिसार विधानसभा क्षेत्र के, जहां पर सभी प्रत्याशियों ने अपनी कमर कस ली और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के हिसार विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रामनिवास राणा जो है संत नगर में जो फिलहाल एक जनसंपर्क अभियान के तहत पहुंचे और लोगों के बीच में जो है अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि संत नगर की जनता ने माला पहनाकर इनका स्वागत सत्कार करते हुए मंच की ओर ले जाते हुए यहाँ की जनता जो है एक तरफा जो माहौल बनता हुआ जो है हिसार के विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी रामनिवास राणा का बनता हुआ नजर आ रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से फूल मालाओं से जो है गला पूरी तरीके से भर चुका है रामनिवास राणा का, और यहां पर जो है नारेबाजी करके एक जोश भरने का काम किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस तरीके से अपार जन समर्थन मिलना किसी प्रत्याशी को इस ओर इशारा करता है, कॉन्फिडेंस में लेकर आता है कि आप बेफिक्र रहिए, हिसार विधानसभा की जनता जो है आपके साथ है। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से संत नगर क्षेत्र की जो जनता है, हिसार विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, जो है रामनिवास राणा को जो है स्वागत करते हुए नजर आ रही है। और पीछे आप भीड़ देख पा रहे हैं कि ये जो छोटी सी गली है पूरी तरीके से भर चुकी है और रामनिवास राणा जो है इन लोगों के बीच में पहुंचे। कहीं ना कहीं आने वाले 5 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव हैं और उनके चुनावों के चलते जो है लोगों के बीच में लगातार पहुंच रहे हैं और अपने हक में वोटों की अपील करने के लिए धुआंधार जो है सुबह से लेकर शाम तक इसी तरीके से जनसंपर्क अभियान जो है चलते हुए नज़र आ रहे हैं। और करीब करीब अब की बात करें तो शाम का 6:30-7 बजे का समय हो चुका है और सुबह से जो है ये कार्यक्रम जो है बैक टू बैक चल रहे हैं और करीब करीब 10वां 12वां प्रोग्राम जो है रामनिवास राणा का इस तरीके से जो है आप देख पा रहे हैं कि संस्कृति का वस्त्र फटा है, संस्कृति का वस्त्र फटा है, फिर से बोल लो पश्चिम का नहीं पूरब का रास्ता चुन लो, मानवता के यदि प्राण बचाने हैं तो भाई रामनिवास राणा जी को चुन लो। इसीलिए भाई रामनिवास राणा जी आप इस सभा को संबोधित करेंगे। रामनिवास राणा जोरदार तालियों से इनका स्वागत। माताओं बहनों बुजुर्गों नौजवान साथियों और सभी मेरे साथी, नाम लेऊंगा बहुत समय लग जाएगा, आपके प्रोग्राम काफी है। मैं तो आपसे सिर्फ वोट मांगने के लिए आया हूं। 8/5 तारीख को 5 अक्टूबर को सुबह सुबह जल्दी उठ करके मशीन की लाइन में लाग करके वोटों की और जा करके अपना जो है तीसरा नंबर का निशान है, तीसरा नंबर का निशान है आपके सामने वाला बटन दबाना और अपने भाई रामनिवास को, अपने बेटे रामनिवास राणा को विजय बनाना। और मैं तो आपके बीच का आदमी हूं, मैंने तो कभी पकड़ लियो भाई। और एक बात और बता दू भाई, थारी बेल्ट में अगर थोड़ी सी भी गलती कर दी तो 30 साल तक थारका ना कोई MLA को नहीं, यह मैं गारंटी से कहूंगा। ये बड़ा बड़ा उद्योगपति भाजपा की टिकट कौन मिली तो निर्दलीय खड़ी होगी। अब निर्दलीय खड़ी होगी वह बी टीम जो है वो उद्योगपति हैं भाजपा की। अब अगर वो भाजपा की गलती कर दी तो अब भाजपा में जानी है और सरकार कांग्रेस की आनी है और विधायक पूरे कांग्रेस को बने वो यदि तो अपना काम होगा। अब उद्योगपतियां ने वोट दे देवा, आप मुझे एक बात बता दो, 10 साल तक ईव 10 साल में जो हमारे मंत्री सामंत्री जिंदल जो खड़ी है आपने देखी के यहाँ? मेरे को 10 साल में बता दो। कमल गुप्ता, अब तो चुनाव शुरू हो गए, अन 10 सालों में आपके कभी आया क्या? और मैं हर दुख सुख में हर एरिया में दिल्ली आता हूँ, मेरे को पता लगना चाहिए यहाँ दुख सुख की घड़ी है। अपना आदमी को बनाओ, जो ऐसा आदमी बनाओ जो हाथ पकड़ सके।
मेरा तो कड़े हाथ पकड़ के कड़े बिठा लियो, मैं तो आपका बीच का आदमी हूँ, नॉर्मल आदमी हूँ, और दोनों टेमरे से निकलूँ, घर तो आपके नज़दीक है, अरे ऐसा ना वोट दे दो जो पहला जाओगे गेट के ऊपर चौकीदार पूछेगा हाँ बोलो क्या बात, फिर चौकीदार वह पूछ के जाओगे आके पीए पाओगा, फिर वो पीए कहोगा भाई एक महीना तक तो विदेश जा रही है मंत्री जी एमएलए जी, एक महीना बाद आइयो, तो आपने वो एक महीना वाला चाहिए आके मौके का एमएलए चाहिए, मौके का एमएलए चाहिए, तो मौके का एमएलए तो आपका भाई है रामजस राडा, ऐसा काम करो जो आपके बीच का मैं चौधर रवे, ऐसा काम करो जो हाथ पकड़ के अपना आदमी से काम करा लो, और नॉर्मल आदमी हो अगर नीचे सड़क पे बैठे हो तो सड़क पे बैठ जा, चूतरी में बैठे हो तो चूतरी में बैठ जा, ऐसे एमएलए चुनो। अब वो कमल गुप्ता भी भाजपा का और सावंतरी जिंदल भी भाजपा की, ये वो कमल गुप्ता ने टिकट मिल गई आरएसएस को, टिकट उसकी कटी को नहीं, बाद में अमित शाह ने दबाव देकर सावंतरी जिंदल को खड़ी कर दी, बोले वो तो जीत कौन सका ऐने खड़ी कर दो, वो थारा वोट पाड़े वो थारी वोट पाड़ने का खतरा आई है, अरे या थाने समझना पड़े वो या रामनिवास राणा का वोट पाड़ना आई है, वह ए बी टीम है या भाजपा की, और भाजपा का जो ऊपर बड़ो लीडर है जो अमित शाह है वो खड़ी करी है ने, तो आपने कांग्रेस की सरकार स्पष्ट आने लग रही है और भाजपा वही बड़ा सफाए है, तो भाइयों तुम एक तरफा वोट है, वोट जो है 5 तारीख ने अपने हाथ के सामने वाला बटन दबाकर अपने भाई को अपने बेटे को रामनिवास राणा को जीवजय बना लो, मैं तो हर भगत आपके बीच में रहूंगा, किसी टाइम टेलीफोन मार दियो, रात ने 12 बजे मार दियो तो भी आपके बीच में मिलूंगा। मैं आपसे जोड़ी करके एक भीख के रूप में वोट मांग रहा हूँ, मैंने ऊपर ने हाथ करके ये बता दे भाई वोट देगा कौन दे, भाई राम निवास राणा आगे बढ़ो, भाई राम निवास राणा आगे बढ़ो, भाई राम निवास राणा आगे बढ़ो, मैं एक मौको मांगू पर मैंने एक मौको दे दो, हाँ एक मौका दे दो, मैंने 20 साल हो गए संघर्ष करता नहीं, और 10-10 साल वह मंत्री जो उद्योगपति है वह भी रैली 10 साल कमल गुप्ता रैली हो, और मैं थारे एक 5 साल मांगू, एक मौको मन दे दो, मैं आपने खरे सही ना उतर तो नजर आऊ तो मैंने 5 साल बाद में बराबर में साइड में कर दियो, थारी मर्जी आओ या कर दियो, लेकिन मैं आपका मुंह से कुआ दूंगा अगली बार 5 साल में, बोले हम तो रामनिवास राणा ने आके एमएलए बनाऊंगा, आपका मुंह से कुआ दूंगा, क्यों मैं हर टाइम बीच में रहूंगा, तो आगे प्रोग्राम ज्यादा है लेट हो जाएंगे, आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद, लेकिन भाई बकानिया बहुत आएगा, उद्योगपति है देखो मैंने तो मैं तो आपा ने पूछ कौन सका, और पैसा में आपा कौन पूछ सका उन्हें, क्यों वे तो उद्योगपति है, वे तो इंडिया के 3रा नंबर पे है, मेरे ख्याल तो पूरे उम होगा वो 3रा नंबर पे, एशिया में 3रा नंबर पे है, तो भाइयों ऐसा आदमी चुनो जो आपके बीच में रहे, अपा ने तड़के छोरा भी नौकरी लगाना है, युवा वो युवा है वे सारा नशा की ओर बढ़ने लग रहे है, क्यों रोजगार तो है कौन ही वो नशा का नहीं बढ़ने लग रहे है, अपा पूरा प्रयास करांगा भाई कहीं छोरा जो है अपना घर से नौकरी सरकारी नौकरी लग गए, मैं रात दिन मेहनत करके छोरा भी नौकरी लगवाने का काम करूंगा, धन्यवाद। तो तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरीके से मंच पर पहुंचकर रामनिवास राणा ने अपने झोले फैलाकर हिसार विधानसभा क्षेत्र की जनता से 5 साल का एक मौका मांगा और साफ तौर पर आश्वस्त किया है कि मुझे ये 5 साल ये मौका दे दिया जाए और मैं आपके मुंह से खुद ये बात कहलवा दूंगा कि अगली बार आप खुद चाहोगे कि अगले 5 साल भी रामनिवास राणा को ही मौका मिलना चाहिए, क्योंकि मैं इतने डेवलपमेंट के काम जो है अपने दिमाग में लेकर चल रहा हूँ और जो कहीं ना कहीं अगर बात करें पिछले 10 सालों की जो कमियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिसार के अंदर छोड़ी है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को लेकर वो सारी पूरी करने का काम करूंगा, ऐसे में आपकी जो भी राय है हिसार विधानसभा की सीट को लेकर उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताओ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, धन्यवाद।